हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो दो टॉपिक है, एक तो कैश बेसिस वर्सेस एक्रुअल बेसिस एंड दूसरा हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है सर, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब क्या है? कैश बेसिस के अंदर जो हमारे रिवेन्यूज है वो तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब हमें एक्चुअल में कैश रिसीव हो जाए, ठीक है सर। एंड एक्सपेंसेस भी तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब हम एक्चुअल में कैश की पेमेंट कर दें, मतलब कि हमने कुछ परचेज किया और हमने उसकी पेमेंट कर दी, देन इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट इफ यू परचेज समथिंग एंड वी डिडेंट पेड द अमाउंट, वो रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं किया जाता। यहाँ पे बस देखा जाता है कैश का फ्लो, कैश आ रहा है तो रिवेन्यू, कैश जा रहा है तो हमारे एक्सपेंसेस है। जबकि एक्रुअल में ऐसा नहीं होता। एक्रुअल क्या कहता है कि रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा, जब आप ट्रांजेक्शन करोगे। आपने ट्रांजेक्शन की लाइक आपने सेल किया, आपने सेल किया और अभी आपको कैश रिसीव हो गया तो भी आप रिकॉर्ड करोगे, और आपको कैश रिसीव अभी नहीं हुआ, कैश रिसीव नहीं हुआ मतलब आपने क्रेडिट सेल किया तब भी आप उसको रिकॉर्ड करोगे। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन बेस्ड रिकॉर्ड होते हैं। लाइक आपने परचेज किया कोई आइटम और परचेज किया और आपने उसकी कैश की पेमेंट कर दी, फिर तो रिकॉर्ड करना ही करना है, कोई डाउट नहीं है। बट कैश की पेमेंट अभी आपने उसकी नहीं की, मतलब आपने क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है, तो क्रेडिट परचेज जो होगा वो आपका, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो बेसिकली एक्रुअल क्या कहता है कि ट्रांजेक्शन कैश बेस्ड नहीं होगा, ट्रांजेक्शन बेस्ड रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ट्रांजेक्शन कैश बेस पर रिकॉर्ड होता है कि कैश की पेमेंट हुई नहीं हुई, कैश हमारे पास आया या नहीं आया। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब अगर टेक्निकली थोड़ी सी बात करें तो कंपनीज एक्ट हमारी हो गई या फिर अदरवाइज भी मार्केट में एक्रुअल बेसिस ज़्यादा प्रिवेल करता है, इसको ज़्यादा माना जाता है, कैश बेसिस को ज़्यादा नहीं माना जाता। बट स्टिल जो छोटे व्यापारी है, जो छोटे लोग हैं, वो एक्रुअल पे काम नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये मैं कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूँ आपको, जो कि आप एग्जाम में लिख भी सकते हो कि आपका कंपनीज एक्ट इसको मानता है इसको नहीं मानता। बट स्टिल छोटे व्यापारी कैश बेसिस करना पसंद करते हैं क्योंकि वो खुद भी समझ सकते हैं। एक्रुअल बेसिस समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, वो इन जनरल समझ में उनके नहीं आता। कैश बेसिस में वो कुछ एक टाइम इंटरवल पे जाके भी अकाउंटिंग कर सकते हैं, बट एक्रुअल बेसिस पर उनको रेगुलर बेस पे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, जिसके वजह से उनका खर्चा ज़्यादा आता है। तो जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्रुअल बेसिस हमारा फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है सर। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए। ज़्यादा प्रिवेल ऑब्वियसली मार्केट में एक्रुअल बेसिस को दिया जाता है, बट स्टिल कैश बेसिस भी मार्केट में चल रहा है जनरली छोटे व्यापारी के केस में। बड़े व्यापारी तो ऑब्वियसली एक्रुअल बेसिस करते हैं। ट्रू पिक्चर की बात करें तो ऑब्वियसली ट्रू पिक्चर हमें कौन दिखाएगा? एक्रुअल बेसिस ट्रू पिक्चर दिखाता है। कैश बेसिस हमारा कैश का जस्ट फ्लो दिखा रहा होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है सर। तो ये छोटी सी चर्चा थी हमारी कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस के ऊपर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या होता है हमारे रूल्स क्या है डेबिट एंड क्रेडिट के? तो रूल्स ऑफ DR एंड CR, डेबिट एंड क्रेडिट, ये जानने से पहले थोड़ा सा जानते हैं कि हमारे अकाउंट्स कैसे कैसे होते हैं। तो जनरली जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। अकाउंट्स जो होते हैं हमारे वो दो टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। दो कौन से टाइप्स में क्लासिफाई हैं अकाउंट्स? होते हैं या तो हमारे पर्सनल अकाउंट्स या तो होते हैं हमारे इम्पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है सर। पर्सनल अकाउंट्स होंगे या फिर इम्पर्सनल अकाउंट्स होंगे। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो फर्दर थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड है। पर्सनल अकाउंट जो है वो फर्दर थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड है। पहला होता है हमारा नेचुरल अकाउंट, सेकेंड आता है आपका आर्टिफिशियल अकाउंट, एंड थर्ड आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है सर। और जो इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल आपका दो पार्ट में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज योर रियल अकाउंट एंड सेकेंड इज योर नॉमिनल अकाउंट। जनरली जो हमें रूल्स देखने हैं डेबिट क्रेडिट के, वो सिर्फ हमें तीन के देखने हैं। किन तीन के देखने हैं सर? वो देखने हैं हमें किसको? पर्सनल के, एज अ क्यूमुलेट तीनों को अलग अलग लेके नहीं जाते, एंड सेकेंड हमारा रियल का, थर्ड हमारा नॉमिनल का। चलिए जी, वो बात की बात है, पहले इसको समझते हैं जरा कि आपका नेचुरल का मतलब क्या है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब लाइक राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, जो कि नेचुरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि कूल, इट इज अ अकाउंट ऑफ सम पर्सन, ये किसी पर्सन का अकाउंट है जो कि नेचुरली उसके बिहेवियर से हमें पता लग जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि जब कोई अपने नाम को कन्वर्ट कर देता है किसी आर्टिफिशियल नेम के साथ, लाइक राम एंड कंपनी, राम एंड ब्रदर्स, श्याम प्राइवेट लिमिटेड, लाइक दिस।
तो ये क्या हुआ, अब ये किसी आर्टिफिशियल एंटिटी में कन्वर्ट हो गए, बट हैं ये भी किसी ना किसी पर्सनल के अकाउंट, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड रिप्रेजेंटेटिव के अंदर क्या आएगा आपका, लाइक कैपिटल, इफ समवन इंट्रोड्यूसिंग सम अमाउंट इनटू हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, एंड वो कैपिटल ऑब्वियसली बात है कि इसके किसी बैकएंड में किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक राम्स कैपिटल अकाउंट, लाइक श्याम्स ड्राइंग अकाउंट, श्याम्स ड्राइंग अकाउंट। तो ये चीजें क्या होती हैं आपकी, रिप्रेजेंट करती है किसी ना किसी पर्सन को, तो इसलिए कहाँ पे कवर होती है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। तो तीन टाइप के आपके पर्सनल अकाउंट है, ओवरऑल हम इस सबको मिला के क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट, जिसका रूल जो होगा वो सिंगल चलेगा। सेकेंड, से रियल अकाउंट की बात करें तो जितने जितने हमारे एसेट्स हैं, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, वो सारे के सारे किसके पार्ट होते हैं, रियल अकाउंट के, एक्सेप्ट बैंक, एक्सेप्ट बैंक। अब बैंक को छोड़ के, बैंक जो है हमारा वो पर्सनल में कवर होता है, तो बैंक को छोड़ के बाकी जितने भी आपके एसेट्स हैं वो सारे सारे किसका पार्ट होते हैं, रियल अकाउंट के। और नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल क्या है आपका, जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं वो नॉमिनल का पार्ट है, जितने भी इनकम या गेन है ये आपके नॉमिनल का पार्ट है। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने आइटम होते हैं वो सारे किसके पार्ट होते हैं, आपके नॉमिनल के पार्ट होते हैं। बैलेंस शीट्स में जो जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे आपके रियल के पार्ट होते हैं, एंड अदर देन दोज जो बच गए वो आपके पर्सनल के पार्ट होते हैं। पर्सनल थोड़ा एग्जॉस्टिव है, मतलब पर्सनल में काफ़ी सारी बातें आती हैं, पर्सनल आपका काफ़ी डिटेल्ड चीज़ है, तो पर्सनल को आप क्लासिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम कहते हैं रियल और नॉमिनल को क्लासिफाई कर लो, रेस्ट द थिंग्स आर पर्सनल अकाउंट्स, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, अब रूल्स की अगर बात करें तो पर्सनल अकाउंट आपका क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट कहता है, ठीक है सर, रूल किसकी बात कर रहे हैं, डेबिट की, क्रेडिट की, दो दिशाएं हैं हमारे पास, दो दिशाएं हैं, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। जैसा आपने देखा हो कि हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट का बेसिकली मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है हमारे अकाउंट्स के अंदर, जो हमारा अकाउंट्स है वो लाइक टी शेप में काम करता है, टी शेप अकाउंट, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो हमारा जो मुद्दा है वो कहाँ पे आके टिका है, वो यहाँ पे आके टिका है कि अगर पर्सनल अकाउंट के ट्रांजेक्शन में कर रहा हूँ तो मैं किन बातों को डेबिट में लिखूँ और किन बातों को क्रेडिट में लिखूँ। लाइक हम जैसे कहते हैं प्लस और माइनस, तो दो जगह आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ें प्लस करनी है, कौन सी चीज़ें माइनस करनी है। वैसे यहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि किस चीज़ को इस साइड लिखना है, किस चीज़ को इस साइड लिखना है। साइड आपके पास दो ही है, टू साइड ऑफ अकाउंट्स है, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं, राइट साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। अच्छा जी, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, तो आपको क्या देखना है कि अगर पर्सनल अकाउंट होगा तो इसमें रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब कि अगर पैसे आपको किसी पर्सन से रिसीव हो रहे हैं तो आप कहाँ लिखोगे, उसको डेबिट में लिखोगे, और अगर आपको पैसे किसी को देने हैं, आप दे रहे हो, तो आप उसको कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में लिख के चलते हो। अच्छा जी, रियल अकाउंट की बात करते हैं, रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट के लिए कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट में किसकी बात हो रही है, एसेट्स की बात हो रही है, मतलब आप एसेट परचेज करके लेके आओगे और आप एसेट का अकाउंट बनाओगे तो उसको कहां पे लिखोगे, डेबिट में, क्योंकि एसेट्स आपके पास आ रहा है, और वही अगर आपने एसेट बेच दिया तो एसेट आपके पास से जा रहा है, तो उसको आप कहां लिखते हो, क्रेडिट में लिखते हो। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उसको कहां पे लिखो, आप डेबिट में लिखो, और जितने भी फायदे हो रहे हैं आपको, जितने भी गेन्स हैं आपके, जितने भी इनकम्स हैं आपके, उसको कहां पे लिखो, आप क्रेडिट में लिखो। तो ये तीन रूल आपको बताए गए, इन शॉर्ट आप इसको कह सकते हो कि भाई साहब जो भी कुछ अपने पास आएगा, जो भी कुछ आपके पास आएगा वो आप कहाँ पे लिखोगे, डेबिट में, और जितने भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे वो कहाँ लिखे जाएंगे, डेबिट में। मतलब इन दोनों को मैं कंबाइन करके बोल सकता हूँ कि रिसीवर एंड कम्स इज आर कवर्ड अंदर आएगा, एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस कहाँ है वो तो सेपरेट है, तो वो आपका कहाँ का पार्ट बनता है, डेबिट का। और क्रेडिट की बात करूँ तो गिवर और गोज आउट आर द सेम थिंग, मीन्स जाएगा, चाहे एसेट जा रहा हो चाहे किसी पर्सन को पैसे दे रहे हो आप, तो ये जाएगा का पार्ट है, और गेन्स और इनकम भी आपका कहाँ का पार्ट बनेगा, क्रेडिट का। तो इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं कि डेबिट का मतलब एनी थिंग विच इज कम इन, कुछ भी आपके पास आ रहा है तो वो क्या है, डेबिट है, और एक्सपेंसेस और लॉसेस तो डेबिट आपके हैं ही। और अगर कोई भी चीज़ आपके पास से जा रहा है, चाहे वो एसेट जा रहा हो चाहे आपके पास से कोई सामान या पैसे जा रहे हो, वो किसका पार्ट है, आपका क्रेडिट का पार्ट है, और गेन और इनकम तो आपका क्रेडिट होता ही है। तो इसके अंदर हमने मोटी मोटी दो चीज़ें कवर की हैं इस वीडियो में, पहला बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत छोटा सा एरिया है और कुछ बेसिक सी बातें थी, आई होप आपको ये बातें समझ में आई हो, एंड अगर समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी हमारी वीडियोस देखते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, वंस अगेन थैंक यू एंड बाय बाय।